सॉरी बेटे, देर बस सॉर्ट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हो गया था। आइए बेटे स्टार्ट करें वंस अगेन विद द केस ऑफ एक्सरसाइज वी वर हैविंग विद अस टुडे। क्वेश्चन नंबर 10 वी आर टू हैव। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टुवर्ड्स वन वॉल। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाई द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट हैंड साइड। बेटे यू आर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर ओवर। बेटा अगेन बेटा मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टूवर्ड्स वन वॉल। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल डिफ्लेक्ट्स बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें जो है बेटा ये इंडिकेट करनी है। इमेजिन करिएगा एज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द वॉल विच इज ऑन माय बैक साइड। फ्रॉम दिस साइड एन इलेक्ट्रॉन बीम इज इमर्जिंग इन दिस वे एंड दैट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड। दिस इज माय राइट हैंड। सो वंस अगेन लेट अस विटे फोकस दैट इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टुवर्ड्स वन वॉल। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाई ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। वट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटे। सो इस डायरेक्शन को निकालने के लिए आप इमेजिन करिएगा बेटा आपको फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरियिंग कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी आर सपोज टू अप्लाई। We hold our left hand in such a manner, first finger in the direction of the field, then the thumb, it is in the direction of the deflection, central finger, it will be indicating the current. This is how we apply Fleming's left hand rule, beta. आपको ये magnetic field की direction जो है ये बेटे work out करनी है. So field हमें दिया नहीं हुआ, electron beam है बेटा. इलेक्ट्रॉन बीम की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट आई इसके बेटे अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन बीम की। अगर इलेक्ट्रॉन बीम बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ आ रही है देन वी विल बी सेइंग दैट आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ है। तो ये सेंट्रल फिंगर आपको दे देगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और ये डिफ्लेक्शन है बेटा आपके चार्ज पार्टिकल की या करंट की जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है। सो वी होल्ड अवर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की तरफ आपका ये डिफ्लेक्शन हुआ था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और आप इस तरीके से जब बिहेव इसको करोगे मैनेज करोगे द मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड इन टू द प्लेन ऑफ द फ्लोर। अगेन देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन बीम की इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए सेंट्रल फिंगर मेरा इस ब्लैक बोर्ड की तरफ डायरेक्टेड रहेगा और ये थंब इंडिकेट कर देता है राइट हैंड साइड को जिधर आपका इलेक्ट्रॉन का बीम डिफ्लेक्ट हुआ है। और फर्दर मोर ये वाला जो फिंगर है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। So we will say that by applying Fleming's left hand rule, we will say that the magnetic field B जो है, it is perpendicular to the perpendicular and downwards. आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं बेटा। सो दिस इज हाउ
वी कैन गो फॉर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. काफी इंपॉर्टेंट टाइप है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेटे जो है ऑन एंड ऑफ पूछे जाते रहे हैं. यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि किस तरीके से आपने रूल अप्लाई करना है. देन बेटे क्वेश्चन नंबर 13 फोकस करिएगा इस पे भी. इट इज दिस स्टेटमेंट पार्ट सेज दैट ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर. लेट अस कनेक्ट. ये आपका कॉइल है. वी आर कनेक्टिंग इट टू द गैल्वेनोमीटर. दिस इज द गैल्वेनोमीटर वी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ सेटअप. इलेक्ट्रॉन बीम वाला एक बार दोबारा देखिए. एज यू आर आस्किंग जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम बेटे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन के मूवमेंट के अपोजिट होती है. अगर इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे है, इलेक्ट्रिक करंट आपका अंदर की तरफ होगा, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ. ये मेरा लेफ्ट हैंड है. मैंने तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली होल्ड किया. ये देखिए इस तरफ है फिंगर सेंट्रल. इसको मैं टिल्ट करके बिल्कुल उल्टा कर देता हूँ अंदर की तरफ, और ये इंडिकेट कर देता है राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को, आपके इलेक्ट्रॉन की बीम को. तो दिस इज हाउ वी गो फॉर विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आप एक बार अपना अप्लाई करके देखिए, यू विल गेट इट. कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा बता दीजिए, मैं फिर करवा दूंगा. प्रॉब्लम नंबर 13 बेटा. A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil, withdrawn from inside the coil, held stationary inside the coil, beta? So, आइए इसको बेटे देखें. तीन अलग अलग केसेस में आपको पूछा गया है कि galvanometer का आउटकम क्या होगा. अगर आप इस केस में एक बार मैग्नेट को यू आर मूविंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉइल इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल, आप जब इसको इस तरफ मूव करवा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा? बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग, एंड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपके पास डेल्टा फाई अपॉन टी इसके बराबर इंड्यूस ईएमएफ होती है, और करंट आपका ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इट इज माइनस वन बाई आर डेल्टा फाई बाई टी. इतना करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये करंट जो है ये आपके इस पर्टिकुलर बेटा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. इसके बाद सेकेंड केस है कि आपने इस बार मैग्नेट को वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा दिया. दिस वाज द फर्स्ट केस. सेकंड केस में यू आर टेकिंग द गैल्वेनोमीटर आउट ऑफ दिस कॉइल, देन अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन बिटे. अब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा. तीसरी बात, जब आप अपना गैल्वेनोमीटर जो है इसको स्टेशनरी होल्ड करते हो, थर्ड केस में सॉरी कॉइल को बार मैग्नेट आपने स्टेशनरी रखा हुआ है, उस केस में बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो वी विल से दैट इन दैट सिचुएशन द इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो and the galvanometer shows no deflection at all. So in this manner beta hum is particular question ko answer kar sakte hain on the basis of the principle of electromagnetic induction, jiske accordingly jab tak aapka magnetic flux is coil ke sath link vary kar raha hai, induced emf will be there, aur agar induced emf hai induced current will be there and the deflection will be there. लेकिन जब आपने गैल्वेनोमीटर को अपने बार मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा दिया, देन बेटे ऑब्वियसली आपका गैल्वेनोमीटर जो है
that will indicate deflection in the opposite direction between. And furthermore, आपने बार मैग्नेट को अगर स्टेशनरी होल्ड कर रखा है, then there will be no deflection because there is between no change in the magnetic flux related to the given coil between. So in this way, you can answer this particular question. Let us proceed further, beta, with question number 14. Let us concentrate upon 14th problem, question number 14. We have with us question says that two circular coils A and B are placed close to each other. एक सर्कुलर क्वाइल आपने ए नाम दिया है इसको, एंड सेकंड सर्कुलर क्वाइल जो है आपने इसको बी क्वाइल बोल दिया. दीज आर द टू क्वाइल्स. टू सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर. इफ द करंट इन द क्वाइल ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द क्वाइल बी, गिव द रीजन. आपने इस क्वाइल में करंट फ्लो करवा दिया या चेंज कर दिया. जब आप इस क्वाइल में करंट को फ्लो करवाओगे या चेंज करोगे बेटा, देन व्हाट विल हैपन दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप्ड अक्रॉस दिस पर्टिकुलर करंट कैरिंग क्वाइल और करंट कैरिंग वायर और द करंट कैरिंग कंडक्टर, whatever you are dealing with बेटे. इसके बाद हम बेटे क्या करते हैं कि जो हमारा magnetic field इस तरीके से produce होगा in the form of the concentric circles, it will be getting produced this way. आप अपना right hand thumb rule apply करके देख लीजिए. तो although minor ही होगा, आपका magnetic field इस coil के साथ जो कि पहले zero था, अब लिंक होना स्टार्ट हो जाता है बेटे. और अगर ये लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, देन ऑब्वियसली आपका इस क्वाइल के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करेगा. और अगर फ्लक्स वेरी करेगा, देन बेटे व्हाट विल हैपन कि इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वजह से इस क्वाइल में एक करंट देखने को मिलेगा. फिर से ध्यान दीजिएगा, जब आप इस एक क्वाइल में से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट बेटे, अगेन सी द क्वेश्चन. टू सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. इफ द करंट इन द क्वाइल ए इज चेंज्ड, उन्होंने करंट की चेंज की बात की है. आपने ए क्वाइल में से जितना भी करंट आपका पास हो रहा है उस करंट का मैग्नीट्यूड बदल दिया, चेंज कर दिया. अगर आप मैग्नीट्यूड बदलोगे, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके राउंड अबाउट, इस कंडक्टर के राउंड अबाउट ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा. मैं वर्ड वेरी यूज कर रहा हूं, बदलेगा, चेंज होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है ये इस क्वाइल के साथ, बी क्वाइल के साथ जो लिंक हो रहा है, इट विल आल्सो वेरी. अगर आप करंट को चेंज नहीं करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा और फ्लक्स वेरी नहीं होगा, फिर कोई करंट नहीं होगा क्वाइल बी में. अगर आप करंट इन द क्वाइल ए बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, इट विल आल्सो वेरी. इसकी वेरिएशन की वजह से ये फ्लक्स वेरी करेगा, और अगर ये फ्लक्स वेरी करेगा डेल्टा फाई, इट विल बी पॉजिटिव. ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय टी. इसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेवलपमेंट होगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, देन करंट विल आल्सो बी देयर. आपका इस बी क्वाइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट बेटा. देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर बेटा 6. ध्यान दीजिएगा,
ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके बेटे ए बी सी डी चार पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी, लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। आपको दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इज इट ट्रू और फॉल्स बेटा? कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ना कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। सो आपका जो पहला है दिस इज फॉल्स। आप अपने इलेक्ट्रिक मोटर को करंट सप्लाई करते हैं, उस करंट की वजह से उसमें रोटेशन होता है और रोटेशन मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी गलत है, दिस इज रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई वी हैव मार्क्ड इट एज फॉल्स। बी पार्ट, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे ही आपका जनरेटर वर्क करता है। तीसरी बात, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल कैरियिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल आपके पास बेटे जो है ये इस तरीके का आप सोलिनॉइड की फॉर्म में ले सकते हो, दिस इज द लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल कैरियिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बेटे। सेंटर पे चाहे आप इस तरीके से कंसीडर कर लें, अगर आप बेटे एक लॉन्ग क्वाइल इस तरीके का भी ले लेते हो तो सेंटर पे इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा दैट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जो उसने सेंटर वर्ड यूज किया है सो सेंटर पे पैरेलल ही रहेगा, सो दिस विल बी अगेन ट्रू। प्रॉब्लम डी पार्ट, ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। बिल्कुल ठीक है, ग्रीन आप अपने घर में तीन तरह की वायर जो है ये देखते हैं बेटा, एक ग्रीन कलर का होता है, एक येलो कलर का, एक ब्लैक कलर का होता है। सो जो ग्रीन कलर का वायर है बेटा, इस ग्रीन कलर के वायर को आप जनरली बेटे जो है लाइव वायर काउंट करते हो। इस लाइव वायर का फंक्शन होता है डायरेक्ट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की आपको प्रोवाइड करना। देन क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा, इट इज लेट अस सी व्हाट डज इट से। क्वेश्चन नंबर सेवन है, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा, एनी टू मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कौन सा तरीका हो सकता है? यस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का वे कौन सा तरीका हो सकता है? बेटा डियर चिल्ड्रन, जब आप किसी करंट कैरियिंग कंडक्टर, वेरी गुड वेरी गुड, पासिंग द करंट थ्रू एनी कंडक्टर, राइट बेटे, बिल्कुल ठीक है, गुड। सो पहला मेथड है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर को आप जिस शेप में जिस फॉर्म में मर्जी इमेजिन कर लीजिए। सेकंड मेथड है ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा। सो वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन
be produced on passing an electric current through an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट से अगर आप पास कराओगे इवन देन बेटा हमारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी जनरेटेड. देन डियर चिल्ड्रन लेट अस कम फॉर विद नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको दो मेथड्स लिस्ट करने थे. क्वेश्चन नंबर 5 लेट अस फोकस अपॉन दिस क्वेश्चन नंबर 5. ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है बेटा. लेट अस सी व्हाट डज इट से. अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो बेटा तो इट ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली कम्स दैट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट नंबर 1 रिड्यूसेस, नंबर 2 डज नॉट चेंज, नंबर 3 इंक्रीजेस हैवीली एंड नंबर डी वेरी वेरी कॉन्टिन्यूसली. सो बेटा जब भी आप बात करते हो शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच कर जाए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइव वायर अर्थ वायर से टच कर जाए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ऐसी सिचुएशंस में आपके करंट को पास होने के लिए एक इजी वे इजी पाथ मिल जाता है और इजी पाथ साइंटिफिकली मींस कि रेजिस्टेंस कम होता है और अगर रेजिस्टेंस कम होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट आई विल बिकम वेरी लार्ज और अगर करंट लार्ज है तो आपका ये सी ऑप्शन जो है इसका बन जाएगा बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग द शॉर्ट सर्किट हैवी करंट आपके सर्किट में से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, essential difference between AC generator and a DC generator is that number 1 AC generator has an electromagnet while the DC generator has permanent magnet. No, DC generator will generate higher voltage. No, AC generator will generate higher voltage. Or D part hai, AC generator has slip rings while DC generator has a commutator. डी पार्ट इसका ठीक है. एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं और अदरवाइज दूसरे में कम्यूटेटर होता है. क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर. जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए आप यूज करते हो उस डिवाइस को बेटे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर कह देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नंबर 1 द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी रॉन्ग, नंबर 2 द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू ए क्वाइल नो, एंड producing induced current in a coil due to the relative motion between the magnet and the coil. ये ठीक है. D part, process of rotating a coil of an electromagnet. No. ये C part आपका जो है second का correct है because इस case में आपका induced current produce होता है when the current when there is relative motion between the magnet and the coil, जो आप already discuss कर चुके हो कि magnetic flux की variation होगी ऐसा करने से. अगर flux की variation होगी तो बेटे obviously आपका जो है electric current और induced EMF इसकी generation possible हो जाएगी. Question number 1, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Long straight wire ke nazdeek magnetic field ko correctly kaise indicate kiya ja sakta hai? Pehla part hai, the field consists of
straight lines perpendicular to the wire? No, it is not like that. The field consists of straight lines parallel to the wire. ये बात भी ठीक नहीं है. The field consists of radial lines originating from the wire. D part है. The field consists of concentric circles centered on the wire. तो ये आपका D part ठीक है. Because जब भी आप straight conductor की बात करेंगे तो ये concentric circles की form में आपको एक आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है. देन बेटे लेट अस कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. रेडियल लाइन बेटे होती है अलोंग द रेडियस. तो ये अलोंग द रेडियस नहीं हम कह सकते हैं. कंसेंट्रिक लाइंस जो है इट विल बी बेटे मोर करेक्ट आंसर. रेडियल लाइंस कुछ और होती हैं. वो एक different type of magnetic field को बेटे indicate करती है. Then बेटा dear children, let us come to question number 8. How does a solenoid behave like a magnet? एक solenoid magnet की तरह कैसे behave करेगा? ये आपको कहा गया है बेटा. How does a solenoid behave like a magnet? Can you find the north and the south pole of a current carrying solenoid with the help of the bar magnet or explain? Interesting question hai. Aapko solenoid de rakha hai beta. Solenoid mein se jab bhi aap current pass karwa dete hain, solenoid ke center par ek uniform magnetic field jo hai wo create ho jata hai. To you are supposed to write that bete when a current is passed through a solenoid, the uniform magnetic field is produced at the center of this solenoid, and the magnetic north and the magnetic south that can be detected with the help of the magnet. Aap ek magnet ko agar uske nazdeek leke jayenge solenoid ke, jo solenoid already aap operate kar rahe ho, अगर आपका बार मैग्नेट जो है उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है ऑन हैविंग द नॉर्थ पोल नियर द सोलिनॉइड. देखिएगा जरा, ये सोलिनॉइड है आपका. सोलिनॉइड में से आपने करंट पास करवाया, यहां पे नॉर्थ और साउथ बन गया. आपको बताया था पहले ही कि अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा. अगर करंट किसी फेस पे clockwise है, then that is going to be the south pole. अब आपने क्या दिया, इसके नजदीक एक बार मैग्नेट को आप लेके आ रहे हो with the north pole facing towards this already set north pole. तो इन दोनों के north और north के बीच में repulsion हो जाएगा. हमें clear हो जाएगा कि इधर ही north pole है. और अगर आप बार मैग्नेट का south pole इस तरफ move करवाते हो तो then there will be attraction. Again we will be having the idea that ki this must be the north pole, that's why it is feeling attraction for the south pole as such. Then question number 9, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? Aap logon ne long straight current carrying conductor in a uniform magnetic field, इसके ऊपर फोर्स बी आई एल साइन थीटा कर रखी है. अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा, एफ विल बी इक्वल टू बी आई एल, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो आप कहेंगे कि जब आप अपने करंट कैरियिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करोगे तब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 10 आपने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 11 इज draw well labeled diagram of electric motor, explain its principle and working. What is the function of a split ring in the electric motor? ye bete aap already kar chuke ho, isko main nahi repeat karna chahta. Electric motor aapne so many times discuss kar rakha hai. Question number 12, name some devices in which electric motors are used. aapke electric motors bete jo hain ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडर्स, मिक्सचर्स, टॉयज,
इन सब में यूज होते हैं, यू कैन मेक ए लिस्ट, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आपने कर लिया, 14 आपने कर लिया, 15th है स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए सेपरेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड पार्ट है फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field which is perpendicular to it, Fleming's left hand rule for the force. Third is current induced in a coil due to the rotation in the magnetic field, this is Fleming's right hand rule beta. Question number 16, it is based on the generator syllabus mein aapke hai nahi hai. 17th hai when does an electric short circuit occur, jab aapka live wire earth ke sath touch kar jaye. 18th है what is the function of fuse wire, fuse wire बेटे जो है it is a safety device, ये जब भी आपके circuit में current heavy या large current flow करेगा इसका low melting point होने की वजह से ये blow off कर जाता है और आपके circuit को, आपके appliances को और आपको safe रखता है. Why is it necessary to earth the metallic appliances, जितने भी मेटल के बने हुए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अप्लायंसेस हैं अगर उनको अर्थ ना किया जाए तो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इफ इट हैपेंस देन द पर्सन ऑपरेटिंग दोज पर्टिकुलर डिवाइसेस में गेट ए शॉक और अगर वो अर्थ किए हुए हैं तो करंट ऑटोमेटिकली अर्थ में फ्लो कर जाएगा, वी विल बी सेफ बेटा. सो डियर चिल्ड्रन विद दिस थैंक यू ऑल बेटा.